बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो दैट वी आर गोइंग टू डू द वर्क ऑफ इंग्लिश ए टुडे एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 एन एग्जीबिशन। द मीनिंग ऑफ एग्जीबिशन इज़ नुमाइश, एक नुमाइश। व्हाट एन एग्जीबिशन इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दिस। एग्जीबिशन इज़ एक्चुअली द डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग्स एंड दे कैन परचेज दैट थिंग्स ऑल्सो। So students, in this chapter we will learn about the present perfect continuous tense and we will learn the use of for and since in this chapter also, and we will learn new words like exhibition is also a new word for you. So students, we just continue this chapter and we will start its Urdu translation first, and we are just moving towards the page number 20. Now students, this is page number 20 and we are going to start the reading first. Mr. Qazi was standing before his class. Mr. Qazi apni class ke apni jamaat ke samne khade the. Mr. Qazi asked, Mr. Qazi ne pucha, did you enjoy exhibition yesterday? Kya tum kal ki numaish se lutfandoz hue? All hands went up to say yes. तमाम हाथ हाँ कहने के लिए खड़े हो गए। गुड, बहुत अच्छा, सेड मिस्टर काजी, मिस्टर काजी ने कहा। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर? अकबर, तुम्हें नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हो गया एंड सेड और कहा, आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट सर, जनाब मुझे तस्वीरें सबसे ज़्यादा पसंद आईं। They looked so beautiful, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। Why did you like the paintings? तुम्हें तस्वीरें क्यों पसंद आईं? अकबर, painting is my hobby. Painting मेरा मशगला है। Hobby is a thing which a person do when he gets some free time to entertain himself or herself. मुसव्वरी मेरा मशगला है and I have good collection of painting of my own. और मेरे पास तस्वीरों का एक बहुत अच्छा मजमूआ मौजूद है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, अगला बच्चा रिजवान खड़ा हो गया। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, और वी कैन ट्रांसलेट दिस लाइन इन दिस वे, मैंने चट्टानों को सबसे ज़्यादा पसंद किया। यू सी, आप जानते हैं, आई कलेक्ट रॉक्स टू, मैं भी चट्टानें जमा करता हूँ। I have been doing so since my childhood. मैं ऐसा अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। It is my hobby. ये मेरा मशगला है। But the rocks that I had never seen before. लेकिन वहाँ जो चट्टानें थीं वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। Mr. Qazi appreciated Rizwan's response. Response mean उसका जवाब देना, appreciated पसंद करना, to like very much. Mr. Qazi appreciated Rizwan's response. Mr. Qazi को रिजवान का ये जवाब, रद्द अमल बहुत पसंद आया। The reason is that, इसकी वजह ये है, the rocks in the exhibition had come from all over the world, कि जो चट्टानें नुमाइश में आई थीं वो तमाम दुनिया से लाई गई थीं। And the rocks that you have been in your collection, और चट्टानें जिनका मजमूआ तुम्हारे पास है, वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, हो सकता है प्रोबेबली गालबन तुमने अपने घर के आसपास से इकट्ठी की हैं, की होंगी। एवरीबॉडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, क्लास जमात में हर बच्चे ने कुछ ना कुछ कहा। बट वन बॉय सेट मम, मम मीन सेट क्वाइट, बट ऑल वन बॉय सेट मम ऑल द टाइम, लेकिन एक लड़का तमाम वक्त खामोश बैठा रहा। He had not uttered a word all this while. उसने इस तमाम अरसे में एक भी लफ्ज़ नहीं कहा। What's wrong with you today, Slim? Slim, आज तुम्हें क्या हुआ है? Said Mr. Qazi to the boy. Mr. Qazi ने इस लड़के से कहा। You have not spoken today. तुम आज बिल्कुल नहीं बोले। Didn't you like anything in the exhibition? क्या तुम्हें इस नुमाइश में कुछ भी अच्छा नहीं लगा? स्लीम सैड, स्लीम ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं कुछ अरसा से टिकटें जमा करता रहा हूँ। नाउ एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द
एग्ज़िबिशन, और अब मैंने नुमाइश में एक भी टिकट नहीं देखी। मिस्टर काजी सेड, यस यू आर राइट। मिस्टर काजी ने कहा, हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। देर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ टिकटों का एक भी स्टॉल नहीं था। इट इज़ वेरी पॉपुलर हॉबी, एक बहुत मशहूर मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास तुम सब के लिए एक बहुत उम्दा हैरत की बात है। मिस्टर काजी, एवरीबॉडी लुक्ड एंक्शियस, एंक्शियस मीन क्यूरियस, एवरीबॉडी लुक्स एंक्शियस, हर शख्स बेताब दिखाई दिया। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, आओ हम स्कूल में एक नुमाइश करते हैं। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर बच्चा जो है वो अपनी अपना मजमुआ लाएगा। सलीम सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, तुम भी अपनी टिकटें लाना। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन पेज। विल यू, क्या तुम लाओगे? यस सर, जी हाँ सर, सेड सलीम, सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास, मिस्टर काजी ने फिर क्लास से पूछा, इफ़ दे हैड अ हॉबी, अगर उनका भी कोई मशगला है। सादिक सादिक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, जनाब मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें इकट्ठे करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपनी तस्वीरों का मजमुआ लाऊंगा। आसिफ सर, आसिफ जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के इकट्ठे करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग देम टू, मैं भी उन्हें लाऊंगा। सम ऑफ देम कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। शिराज सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ माई कंट्रीज ऑफ अदर कंट्रीज, जनाब मैं मुख्तलिफ ममालिक के पोस्ट कार्ड इकट्ठे करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दोस, मैं उन्हें लाऊंगा। असलम असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं समंदरी सिपियाँ इकट्ठी करता रहा हूँ। काशिफ माई सिस्टर हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी बहन के पास मुख्तलिफ गुड़ियों का बहुत बड़ा मजमूआ है। She has been collecting dolls from other countries and has been making dolls herself. वो मुख्तलिफ मुमालिक की गुड़ियाँ इकट्ठी करती रही है और उसने ख़ुद भी कुछ गुड़ियाँ बनाती रही है। I would like to bring some of those dolls to this exhibition. मैं उनमें से कुछ गुड़ियाँ इस नुमाइश में लाऊँगा। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, ये ऐसा दिखाई देता है कि तुम सब बहुत अच्छा काम करने वाले हो। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, अब सब ठीक दिखाई दे रहा है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन, मेहरबानी करके अपने तमाम मजमुआ स्कूल में की नुमाइश के लिए अगली जुमेरात को स्कूल लेकर आना। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट योर पेरेंट्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन, और अपने वालदैन रिश्तेदारों और दोस्तों को नुमाइश में दावत देना मत भूलना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियां बजाई। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्हें स्कूल में एक नुमाइश करने का ख्याल बहुत पसंद आया। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वन एंड सम क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आर गिवन इन दिस चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द राइट वन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। So students, look here. Here is the first one question. What is Akbar's hobby? As we have read in the chapter that Akbar's hobby is painting. So this is the answer of this question. Now look at in the second one block. Why did Mr. Asgar ask Sleem to bring his collection of stamps? As Mr. Sleem had been collecting stamps for quite some time, therefore Mr. Kazi asked Sleem to bring his collection of stamps. Now students, look here. Who wants to bring collection of dolls for school exhibition? We come to know that Kashif wants to bring collection of dolls for school exhibition from this paragraph. Okay, the last one from this chapter, the comprehension question is, who introduced the idea of school exhibition for the students? As you have read in this chapter and you come to know that Mr. Kazi
introduced the idea of school exhibition for the students. Okay, students, take care of yourself. I hope so that this translation of chapter number 4 is quite clear to you. If you have any ambiguity or any query, you can ask in the comments. And take care of yourself. Allah Hafiz.